अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सभी को। वेलकम टू माय चैनल मास्टर की दुनिया। और कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बहुत अच्छा हूँ अल्लाह ताला के करम से। और आज दिन की शुरुआत हुई है मेरी गुड मॉर्निंग। बजे है सुबह के 5:30 और अभी जस्ट मेरी सहरी हो चुकी है। मुहर्रम चालू है, मुहर्रम के रोज़े सभी को रखने चाहिए, नफील रोज़े होते हैं। क्योंकि जो इमाम हुसैन, उन्होंने हमारे लिए जो कुर्बानियाँ दी है, उनकी कुर्बानियों का तो हम एक पूरी ज़िंदगी लगाए तो भी हम उसको अदा नहीं कर सकते। बट हाँ, जैसे अल्लाह ताला का फरमान है, हम लोग रोज़ा रख के बेशक उनके गम में शामिल हो सकते हैं। तो माशाल्लाह से रोज़े स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज का तीसरा रोज़ा है, सहरी हो चुकी है मेरी, नमाज से भी फारिग हो चुका हूँ फजर के अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी जस्ट मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी है और अभी जस्ट नमाज भी हो गई। अभी देखिए बच्चे लोग भी मेरे उठ गए हैं सितारे सुबह से। ज़्यादातर मैं सहरी करता नहीं गाइस, पर आज सुबह मैंने लाइट खाने का कुछ सोचा, क्योंकि मुझे सर्दी हुई है तो मुझे दवा खानी पड़ रही है। तो इसलिए मैंने अभी सुबह लाइट काली चाय, चाय तो मैं कभी पीता नहीं पर दवा लेनी थी इसलिए मैंने काली चाय, और ये देखो ये टोस्ट मैंने खाए है और ये चाय हो गई मेरी। और देखो ये मेरा बच्चे लोग यहाँ पे, इनका वक्त हो चुका है अभी साफ़ सफाई का। और ये सुबह सुबह का मेरा घर से व्यू, बारिश का मौसम। और देखिए सुबह हो रही है अभी, दोनों बच्चे लोग भी मेरे यहाँ पे बैठे हैं, मेरे सुल्तान और सुल्ताना। देखिए सुल्तान, मैं व्लॉगिंग करते वक्त सुल्तान मुझे कैसे देखता है। सुल्तान देखिए कैसे देखता है मेरी तरफ। बस अभी दोनों हैं। और माशाल्लाह मेरे अम्मी के झाड़ जो बेल लगाई है अम्मी ने पान की, और ये इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मनी प्लांट भी जो हमको आया है, माशाल्लाह इसमें बहुत बरकत है। अल्लाह ताला बुरी नज़र से बचाए। और माशाल्लाह से देखिए कितने अच्छे से ग्रो करे, करेले के भी बेल लगे। देखिए इसका चढ़ने का टाइम, इसको जो है इसकी बैठने की जगह है ये हमेशा वाली, तो यहाँ से बैठ के नीचे की बिल्लियों को देखता है और फिर ये गुस्से से इसको देखती है। ये देखिए चढ़ गया गैलरी के ऊपर, अभी यहाँ पे बैठेगा और नीचे देखिए, नीचे का पूरे नज़ारों के मज़े लेगा, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इसको सब पंचायत होती है यहाँ पे क्या चल रहा है। ठीक है, चलो भाई, इनको तो कोई काम धंधे है नहीं, इनको तो बैठ के यहाँ पे मज़े लेने हैं, हमको तो बहुत काम है। भले सैटरडे है, छुट्टी है, बट जो है दूसरे काम भी है मुझे। फिलहाल मैं ऊपर जा रहा हूँ बाकी के काम देखने के लिए, घर की साफ़ सफाई वगैरह सब करना है, क्योंकि छुट्टियों में मुझे टाइम मिलता है पूरे घर की सफाई करने की। अब इंशाल्लाह ऊपर जाऊँगा, ऊपर की साफ़ सफाई वगैरह सब स्टार्ट करूँगा। ठीक है, ऊपर आ रहा हूँ मैं। काम शुरू करने से पहले मैं आप लोग को मेरे घर के जो ऊपर की गैलरी वहाँ से आपको नज़ारे दिखाता हूँ। ये देखिए सुबह सुबह का नज़ारे है और इतने सारे चिड़िया पक्षी लोग जो सुबह सुबह चिव चिव, बहुत सुकून लगता है ये आवाज़ सुन के। और देखिए सुबह हो रही है अभी, अभी मेरे घर के पीछे का मेन रोड है ये, जो है मेन रोड है। चलो तो सुबह हो रही है माशाल्लाह, और आज दिन भर में मुझे बहुत सारे काम है। इंशाल्लाह देखते हैं क्या क्या काम है, शायद शॉपिंग वगैरह भी जाना है, क्योंकि कुछ तैयारियां चल रही है मेरी जो राज में है, इंशाल्लाह वो बाद में रिवील करूँगा। पर अभी जो है शॉपिंग की तैयारी वगैरह है, मैं आप लोग को आगे मिलता हूँ आगे के ब्लॉग में। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। तो देखो अभी माशाल्लाह से हम लोग जा रहे हैं पन्नी पटान से, अगर निशान बिठाना है तो गलफ लाने जा रहा हूँ, जो हर साल जाता हूँ सरकार के यहाँ पे, तो आप लोग को भी दरगाह की ज़ियारत कराऊँगा इंशाल्लाह। और अभी बस कोई खास आ रहे हैं मेरे साथ, उनके लिए रुका हूँ दरगाह, शाहडोल पे रुका हूँ शेरा लेने के लिए। और दादी से हमेशा शेरा लेता हूँ, पहली नंबर दुकान है, जब भी शाहडोल पे आएंगे दादी से शेरा ज़रूर लेना, उनके पास सब चीज़ें अवेलेबल रहती है। अभी मैं जा रहा हूँ दरबार पे और वानोड़ी में जाऊँगा पन्नी पटानशाह पे, और वहाँ पे ज़ियारत करूँगा, मान की गलफ लूँगा, मानपान संदल लूँगा जूठा, और फिर इंशाल्लाह कल शाम को हमारा निशान बैठेगा। ठीक है, तो अभी मेला और उत्सव, आप लोग दुआ करो आप से पहुंच जाओ, बारिश हल्की हल्की आ रही है, और देखिए शादोल दरगाह पे हूँ मैं।
तेरा कोई नहीं है मेरे सिवा, तेरा कोई। ज्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं मेरे पास, अभी ले रहा रुखसत, दुआ में जरूर याद रखना, लव। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी फाइनली हम लोग पहुंच चुके लोकेशन पे, हमारे सरकार को सेहरा चढ़ाने के लिए आप लोग को आगे जारत कर रहा हूँ, ठीक है, आ जाओ सब। बोला भाई वीडियो बना रही लेकिन माशाल्लाह से देखो गाइज, हम दरबार में पहुंच चुके हैं हमारे सरकार के, और अभी हम लोग जो है हमारे साल का जो मान रहता है गलफ का, हम यहाँ पे अभी पेश करेंगे और अभी लेंगे गलफ यहाँ से। ये निशान पिन का गलफ लगता है हमारे सरकार का, निशान सस्ता है वहाँ पे। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी करामत है कि ऐसे जो अस्तबल, ये ब्रिटिश के ज़माने का है, वहाँ पे ऐसी चीज़ पे हस्ती आराम कर रही है, हम आराम फरमा रही है। तो हमसे कुछ गुना गलती गुस्ताखी हुई तो माफ़ कर दे सरकार हमको, और आप सब लोग भी इजाज़त करो, ठीक है। माशाल्लाह से अभी हमारी ज्यारत भी मुकम्मल हो चुकी है, और देखिए हमने जो हमारी मान की गलफ रहती है वो भी ले ली है सरकार से इजाज़त लेके, सरकार हमारे हाजिरियों को कबूल करे। और अभी हम निकल रहे घर की तरफ, रुख्सत ले रहे हैं यहाँ से। आप लोग दुआ में याद रखना, और सबके लिए भी मैंने दुआ की है। मिलता हूँ कल इंशाल्लाह निशान सजाते वक्त। अल्लाह हाफिज़। तो देखो अचानक बारिश चालू हो गई थी, तो घर आते आते देर हो रही थी, तो अचानक एक खास घर पर आया हूँ, जल्दी रिवील होगा आपको। और माशाल्लाह इफ्तारी इतनी सारी है, वड़ा पाव है, चाइनीज़ नूडल्स, खजूर, मतलब जो जो भी देते हैं उसमें खुश रहना चाहिए। आप लोग भी आ जाओ रोज़ा खोलने के लिए। ज़्यादा कुछ बोलने हैं नहीं, इफ्तारी कर रहा हूँ, और मोहर्रम का ये रोज़े बहुत ज़रूरी होते हैं, रोज़े रखने चाहिए मोहर्रम के नफिल रोज़े।
और जो भी रिज़्क है अल्लाह का शुक्र अदा करने का। इमाम हुसैन के सदक़े में जिसके भी घर में दस्तरखान ये रोज़ी खोल रहा हो, रोज़ा खोल रहा हो, अल्लाह ताला उनके कारोबार में दिन दुगना चौगुनी तरक्या दे, उनके घर को हमेशा बच्चे वो खुश रखे, उनके घर के उनके सर पे हमेशा इमाम हुसैन का हाथ रहे और उनके घर से कोई भूखा ना जाए, ऐसी दुआ करता। और आज आप लोग भी रोज़ा कटने के लिए और दुआ में ज़रूर याद रखना। अल्लाह हाफिज़। अरे मेरे हाजी मालम हो गया, या फिर ना ये मम्मी अलग अभी बीच उधर जाएंगे। तो माशाल्लाह से गाइस अभी मैं घर पे पहुंच चुका हूँ, मैं इधर आया हूँ और अभी बस सरकार का जो है सब मुकम्मल हो गया और ये भी हजरत की जो गलफ वगैरह जो चीज़ें आनी थी आ चुकी है घर पे और कुछ नहीं, बस हंसी मजाक चल रहा है हमारा, ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं। तो गाइस अब मैं चाहता हूँ कि हमारे डी उनके स्टाइल में माई को वो शेर बोले। ये देखो ये मेरे को कैसे सता, देखो गाइस ये वही शेर है जो हमारे डी ने माई को और यही शेर मैं किसी खास को भी बोलने वाला इंशाल्लाह बहुत जल्द सरप्राइज रिवील करूंगा, अभी नहीं लेकिन अभी देखते हैं। डी माई को वो शेर प्लीज बोल चुके एक बार बोल दो। हाँ अगर जनाजा निकले मेरा, हाँ अगर जनाजा निकले मेरा कंधा तुम लगा देना। माशाल्लाह। कोई पूछे कैसे मारा मजबूरी मोहम्मद बता देना। सुभान अल्लाह गाइस माई का चेहरा एकदम टमाटर की तरह लाल हो चुका है और माशाल्लाह बहुत बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। देखो गाइस ऐसे हमारी मस्ती चलती है गाइस, और कुछ नहीं, अल्लाह ताला हमारे पूरे परिवार को ऐसे खुश रखे हमेशा, हमारे माई का हमारे डी की जोड़ी हमेशा सलामत रखे, हमारे पूरे परिवार को मेरे बच्चियों को सबको बुरी नज़र से भी बचाए गाइस। और आमीन ज़रूर बोलना और व्लॉग के नीचे माशाल्लाह ज़रूर लिखना गाइस। और ठीक है, और जो लोग देख रहे हैं ज़रूर देखना। और गाइस ज़्यादा मैं जलाल में आना नहीं चाहता क्योंकि बेशक ही अल्लाह बहुत बड़े हैं, अल्लाह से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है, जो भी होगा हक का फैसला होगा। आप लोग ज़रूर हम सबको दुआ में याद रखना और वीडियो को लाइक करना। आज का व्लॉग इधर एंड कर रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़। सब लोग बोलो मास्टर की दुनिया को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अल्लाह हाफिज़।